ये देख पूरे नुकसान कर गई, मतलब पट्टी जो करना था करके निकले वहाँ से। अगर मैं सच बता रहा हूँ, भगवान ने इतना काबिल बनाया होता ना तो भाई नहीं सो मेरे मन में तो भाई कि अभी उसका या तो रिक्शा ठीक करवा देता या तो नया रिक्शा देता। मजाक सेट के मेरे मन में आई एक टाइम को। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। क्या कौन सा व्लॉग? पैदल चलन मन कर रहा था, स्कूटी अंदर खड़ी कर दी। चलो भाई पैदल चल। भाई बंदो तुमने गाना सुना होगा, साइक पहले सीखा साइकिल है तो साइकिल है तो रेंज हुई। हमारे साथ हो गए पहली थी स्कूटी, स्कूटी से हो गए पैदल। क्या हो रहा भाई मोटे? भाई क्या करे यार, वक्त कोई नहीं भाई, पैदल भी चलना चाहिए। और मैं तो कहूँगा स्कूटी स्कूटी छोड़ दो सारे भाई, पैदल चला करो, पैदल चलना बेस्ट है। स्कूटी स्टॉक आ गया मार्केट में नया, पर किसी और चीज़ का अपने अपनी वाली चीज़ का मत समझना, किसी और चीज़ का स्टॉक आया। कहाँ जा रहे मोटे हम पैदल चलते चलते? भाई भाई बस चलते चलते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। भाई हमारा एक मीठा दोस्त आ रहा है, अरे भाई को लेने जा रहे हैं यार एक। हमने बोला हम पे तो स्कूटी स्कूटी लेने आए थे, वो वहीं खड़ा आगे। हमने कहा स्कूटी उसके पास भी है, फिर भाई वो मीठा है सबको पता है। अबे यार पता है यार, सारा फोन उठाता मीठा हमारा, पता है भाई भाई किससे मतलब भाई कुछ उससे यूं है ऐसे भाई भाई मोटा पसंद है उसको, मोटा पसंद है भाई, पता भाई मोटा पसंद है एज अ फ्रेंड। और मोटे की ऐसी तैसी करने में उसको बहुत मजा आता है, तो भैया मोटे के साथ रहता है वो इसलिए ज्यादा। और मोटा उसके साथ रहता है, दोनों का रिश्ता हो गया है। लाल ब्रदर में इनकी शादी है 4 जून को, रिजल्ट आएगा 4 जून को। ये बोलता है अंकित जी कहाँ पर जा रहे हो, ये बोलता है। अच्छा हमारा बेटा। अच्छा और वो कहता है यार भाई बेटा है क्या, और कुछ नहीं बोलता? नहीं कहता अंकित जी चलो ना कभी अकेले में। शिट अकेले में तो जाता हूँ मैं सबके साथ, तेरे साथ भी गया था भूल गया। और कुछ नहीं बोलता भाई। जी 900 जा रही थी, जी 900 एक दिन मोटे खरीदनी है भाई। ओए लैपटॉप आगे रख ले, ओए बैग में वेस्ट, ऑफिस से आया था भाई, ऑफिस से टायर्ड रख। ये होता भाईचारा, ऑफिस तो टायर्ड है तुम मोटे चला चले भाई। भाई दर्द दर्द आ रहा है, इसके हाथ में मोच आई है। अबे दर्द रख ले यो, मत इसका हाथ, गलती से मोच आई है। कहां है मोटे? हाथ में मोच आई है, दिल पे मोच आई है? अरे हाथ में बोले, हाथ पे कहां पे? हाथ पे, उधर हथियार पे मोच आई है। मैं तो उधर भी हड्डी है क्या तेरी, इसी की होगी हड्डी भाई। भाई मोच आ गई भाई, मोच तो लूला की हो रहा है, मोच आई है तो नीचे कर लेना। हाथ बदल कैसे गया? अभी तो राइट हैंड में थी, लेफ्ट हैंड में मोच होगी। हाथ ही बदल गया साढ़े चुदर भाई। जल्दी आ जाओ घर से, टाइम वेस्ट मत करियो, घर पे लगा रहा हूं छुट्टी भी। बस बैग रख के जल्दी निकल, टाइम नहीं है भाई हमारे पास। भाई को काम करना है मीठे, फिर देख जाना भाई। तुझे क्यों बोलता है इतना, सर पे गर्मी चढ़ गया लग रहा है इसके, तो दे देना फिर ठंडा। भाई तू इसको कुछ बोलता है ना, सुस्ता है ये, तू बोला कर भाई। ये सर पे चढ़ गया तेरे, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है तुझे। आज इसको साढ़े को, आज वो साढ़े का इलाज बांध दे, इलाज बांध दे इसका, कोने में ले जाके आज बजा ले बहन के लिए, ट्रक का इसी में लगा लियो। चल भाई ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, इसको घर से उतार के एरिया में भी आ जाते हैं। 125 सीसी के एनएस ले लेंगे, 150 रुपए का तेल, 210 का तेल और 170 के ओरन, और पै 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 मैं साढ़े पीछे वाला आप पीछे और 3 ट्रिपल लोड होएगा और पीछे वाला घूम रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ मैं छोड़े। अभी एक आगे गया बाइक वाला और गलती से पीछे उलट के दोबारा घूर लेता ना वो, इसके साढ़े के यही हिसाब किताब कर देते इसका। मजाक सेट के इसको घूर रहा था पाला मैं छोड़े बक्कल से। तू 15 सेकंड की बात 1 मिनट में बोलेगा तो कैसे बोलने देंगे हम तुझे? ब्लॉग तो तेरा ही हो जाएगा फिर। जल्दी बोलना भाई, फास्ट फास्ट बक्कल कहते बक्कल 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 ये बात। आगे जा रहे साढ़े दिखा तो साढ़े इसका ब्लॉग में नंबर दिखा दे, मगा साढ़े इसकी बाइक का नंबर दिखा है। अरे स्कूटी चला ले पता होगा, 80 लाख की मर्सिडीज भी आएगी तेरे को चलानी है, इसी ट्रेनिंग ले चलाने की यार। कलेंडर भी खरीदनी है मुझे, अभी तेरे पास ही रहने उसकी भी जल्दी चला फटाफट यार। फिर अभी स्कूटी चलाने से मना कर दिया, कल को एंडेवर नहीं मिलेगी। एंडेवर साढ़े मेरी एंडेवर इसकी है, एंडेवर हां एंडेवर इसकी है। कल वो भांजी का खिलौना लाया ना एंडेवर का, इसी का है वो। ओ यार ये खोल फुट रहा है, खोल यार पहले ये बड़ी चिल्ला फुट रहा है भाई भाई।
अपने डोई का फुटरेस जुड़ा नहीं रहता यार सिर्फ असला असला हम भी रखते हैं उस्ताद हिला के झाग बना दूं अंदर समझ तुम्हारे एरिया में आ रहा हूँ ऑनलाइन गैंगस्टर हूँ निकल गया गाड़ी यहाँ से 3 किलो में एक्टिवा गैंग होल्ड करके रखता हूँ बड़ी आ रहा हूँ वहीं मिलता हूँ उनको अड्डे पे आके मैं मैसेज करता हूँ तुम रुक जाओ प्रियांशु आन दे प्रियांशु अरे बैठ जल्दी बैठ अरे बैठ गया बैठ गया मेरी तरह मजे नहीं ले पाया वोटे मैं तो इसको बिठाता ही नहीं हूँ भगाता रहता हूँ ये मेरी टेक्निक करने की सोच रहा था पर अफसोस राजा तो एक ही होता है और प्यादे हजार होते हैं येरा मेरा प्यादा प्यादा येरा मेरा कौन सा प्यादा है तू वजीर है ना तू मेरा वजीर बन गया अरे भाई प्यादा समझ रहे हो मोटे को वजीर है भाई सोच समझ के चाल चलता है बढ़िया अरे चाल सोच समझ के आगे समझ बाकी एक के बुंडा बीच कोक पाने जा रहे हैं मिल जाओ आगे जाग बना लिया है बुंडा बीच कोक पा जाएंगे मेरे जाते टॉर्च जला तो पूरा रिक्शा तहस नहस कर दिया तो पूरे नुकसान कर गई पूरा हिल रहा भाई तो भाई तो खत्म ही कर दिया खतरनाक वाला पूरा मचल दिया मामला हाथ पे भी लगी भाई भाई कांच ही घुसा मेरे को लग रहा हाथ पे लाइट जला दे हाँ अभी ना घुसा तो नहीं है मेरे ख्याल से भाई नहीं भाई देखो ना ये घुसा हुआ टुकड़े घुसे हैं छोटे छोटे ये तो निकाल देगा कोई बड़ी बात नहीं ये तो भाई खुद निकाल देगा यार अभी डॉक्टर ने पट्टी वट्टी करा ले भाई नुकसान हो गया भाई भाई अब देख लो सांड धीरे चले बट अब सांड ने इतना नुकसान कर दिया भाई का बहुत भाई बहुत ज्यादा भाई भाई उसका रिक्शा तोड़ दिया भाई भाई मतलब पट्टी वट्टी दूर करना था करके निकले वहां से अगर मैं सच बता रहा हूँ भगवान ने इतना काबिल बनाया होता ना तो भाई नहीं सोच मेरे मन में तो भाई कि अभी उसका या तो रिक्शा ठीक करवा देता या तो नया रिक्शा देता मजाक सेट के मेरे मन में आई एक टाइम को पर भगवान ने अभी काबिल बनाया है कोई नहीं बात नहीं भाई बाकी भाई सांड ने करा है वो भी पशु पक्षी है उनको भी कुछ नहीं कह सकते यार आपस में लड़ते लड़ते रिक्शे वालों से लड़ते भाई वो भी गौ माता क्या कर उन्हें भी कुछ नहीं कह सकते अगर कुदरत ही देने हैं तो हो गया पर भाई के चोट आ गई और भाई की रोजी रोटी पे नुकसान हो गया उस भाई भाई कांच घुस गए थे भाई हाथ चलो कोई नहीं यार बाकी अब ठीक है भाई अपना हॉस्पिटल निकल गया वो डॉक्टर के पास कोई दिक्कत की बात नहीं है सब ठीक है ठीक है भाई सब यही बता रहा था आगे तो ये उधर नहीं है भाई घर से मैं बोल रहा था पालम लेके जा रहा हूँ ये पता नहीं पीछे कौन सा मॉल है ये देखना D21 नहीं आया है घर से घर की लोकेशन यहाँ से 35 किलोमीटर दूर दिख रही है अभी हमने सोचा पालम का कट आएगा ऊपर लिखा आ रहा है गुड़गांव के लिए यहाँ मुड़े कोई दिक्कत नहीं भाई पेट्रोल फुल है आगे से यू टर्न ले लियो सीधा चलना है सीधा चलता रहा फिर वोटे ठीक है भाई अपने एरिया में जा रहे हैं चलो भाई मिलते हैं चंडीगढ़ का बैग पानीपत का रोड आ गया देख लो भाई तुम्हारे आंखों देखी बात है हम तो बना भी नहीं रहे कि हम यहाँ घर से यहाँ से 35 किलोमीटर काट रहे हैं 50 रुपए पेट्रोल 50 रुपए के तेल में बाप तेरे तेल ढूंढ रहा है चंडीगढ़ भाई चंडीगढ़ में ले जाए पूरी चंडीगढ़ वाली है तेरी करागी त्यौहार देखने चंडीगढ़ चंडीगढ़ हरिद्वार दिखा रहा है चलाओ चला घर पहुंचा भैंस की पहले आ गया खाने फ्री की पैसे वैसे ना देने वाले बंदों को ना मेरे हाथ में थलाया तो पहली होते 10 बार समझा दिया मैंने प्रियांशु उठना बैठना बंद कर दिया मैंने गरीबों के साथ खाना शुरू है अभी भी भैंस की आँख पेट में डाले जा रहा शर्म नहीं आ रही क्या माफी मांग ले जनता से भाई एक घंटे में आए हैं एक घंटे में हम मुड़तल भी हो सकते थे भाई तुम देख लो तुम्हारे भाई की ड्राइविंग एक घंटे के पहले ही बहुत पहले डाल भाई अब भाई मोमोज चालू है इधर मैं तुमसे बात करने लग रहा हूँ यहाँ घुस जाएंगे पेट के अंदर करता हूँ अभी साले फ्री की खा के हमारी गैंग में ना हमारी गैंग में नहीं मतलब मैंने बहुत गैंगों में देखा है
कुछ होते हैं मतलब दिन भर यही सोच के निकलते हैं भाई, इस भाई के पास चले जाते हैं थोड़ा बहुत घूम लेंगे, इसी बहाने खाने पीने का मिल जाएगा। होते नहीं होते ऐसे कुछ? हाँ होते हैं हमारे साथ, हमारे साथ ऐसा कोई नहीं है पर होते हैं, पर ऐसा होते हैं मैं कह रहा हूँ, दूर रहे ऐसे बंदे ना उनकी चपेटे में ना, समझ रहे हो, साथ बच के रहे और ऐसे सांपों से अपने आप को बचाए जो तुम्हें सिर्फ काटने आ रहे हो, इनका धंधा ही होता है भाई। मैं हूँ उसका, नहीं सांप तू नहीं है भाई, तू तो बड़ा भाई है जल के राख हो जाता, कोई बात नहीं मोटा बड़ा भाई है भाईचारा, भाई बड़ा दोगला बंदा है भाई, एक ने फोन करा मतलब एक थोड़े आवाज भाई है हमारे लिए तो कही है पर आवाज है, उन्होंने इसे फोन करा की भाई अपने तो भाई हैं क्योंकि वो उन्होंने इसे फोन करा कि भाई मोटे नारियल पानी लेके आया, तो चेलागिरी करने के लिए भाई उनसे पैसे भी नहीं मांगे, तुरंत नारियल पानी पहुंचा के आया और माँ कसम खा के बोल दे प्रियांशु आज तक किसने हमें करा हुआ ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं बता दूं तुम्हें बात, स्कूटी चाहिए नारियल पानी लेके जाओ अपने पैसों का, मैं भी स्कूटी लेके गया ले भाई, दूसरों का काम करने मजा आ रहा है ना, हमारा काम भी कर दिया कर कभी, तेरा काम बहुत कर, तुझे पालते हमें किया तो तुझे पालते भी तो हमी है, कोई नहीं भाई दूंगा स्कूटी की चाबी नीचे से दूंगा ऊपर तक, तीन एक्सरसाइज मार दिया, वैसे तो मैं जिम आता नहीं, साल भर की मैंने फीस भरी हुई है पर आज भाई भाई कह रहे थे इसलिए मैं जिम आ गया और दो तीन एक्सरसाइज कर ली अभी मैंने, खाली बैठा हूँ चैटिंग कर रहा हूँ खाली बैठ, जो चैटिंग करता है कमेंट में पता जिम में भाई, वर्कआउट भी जरूरी है अपना, वर्कआउट करके घर पे आ गए थोड़ी बॉडी वोडी, कभी कभार जाता हूँ भाई, वो डेली वेली का कीड़ा नहीं है मेरे अंदर, कभी कभार जाते हैं अपना, घर आ गए हैं, घर आके ताने सुनेंगे अभी, ये आ गया घूम घाम के फ्री की खा के, दिन भर फ्री की खाता है ये करता है वो करता है, ताने मिलेंगे अभी तुम्हें भी मिलते होंगे, इग्नोर करा करो और फ्री की खाया करो, तो बाकी मेरी तरह फ्री की खाने वाले ही वही तगड़ा बनता है, तगड़े बनने पर ध्यान दो, रजत दिला, ओके जी, जय श्री राम।